मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल के मिंटो हॉल में प्रदेश स्तरीय महिला जन जागरूकता अभियान सम्मान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा जिले के असली हीरो रोशन विश्वकर्मा को जिला एनआईसी कक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल की उपस्थिति में असली हीरो रोशन कुमार को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल के मिंटो हॉल से प्रदेश स्तरीय महिला जन जागरूकता अभियान सम्मान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रदेश के 5 असली हीरो को सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत छिंदवाड़ा जिले के असली हीरो रोशन विश्वकर्मा को जिला एनआईसी कक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। रोशन विश्वकर्मा जिले के ग्राम वालापानी चौकी बटका खापा के रहने वाले हैं। सम्मान अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम का प्रसारण जिले के सभी थानों और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया गया। मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना घटित हुई थी और इसके आरोपी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। इस चुनौती में हमारा साथ दिया था असली हीरो रोशन विश्वकर्मा ने, वो अपना अनुभव साझा करेगा। रोशन भैया बताएं क्या किया आपने? पता चला कि सुमला खापा में 5-6 साल की लड़की से गलत कार, तो 2 दिन से वो पुलिस की डर की वजह से भालपानी के जंगल में भाग गया, जंगल पे लुक रहा सर। वो पुलिस भी 2 दिन से ढूंढ रही थी तो नहीं पकड़ पाए। तीसरा दिन मुझको मिल गया जंगल पे अचानक, मैं चाट ढूंढने गया सर, अचानक मिल गया तो मेरे बाप साहब ने उसका फोटो भी देखा और उसको थोड़ा पहचाना मेरे को यही, और मार्केट जाते रहते थे थोड़ा पहचान भी था सर लगा कर, इसलिए फिर मैंने उसको 1 किलोमीटर आगे जान दिया। फिर इसके बाद मैं 100 नंबर पे इतनी कर दी हिम्मत करके, मेरे को जैसा भी हो जब गलत हुआ है तो मेरे को अपनी जान भी जाए तो अपनी कोई परवाह नहीं, ऐसा करके मैंने फोन लगा दिया सर। फोन लगाया तो पुलिस भी हर रही अमरवाड़ा धमरवा सब घेर लिए जंगल को, और गाँव के ने भी सहयोग दिए। 10-11 बजे बीच में जंगल में ढूंढ के पुलिस को उस आरोपी को पकड़ दिया। बहुत बढ़िया, ताजिया बजा के स्वागत कीजिए रोशन विश्वकर्मा का। छिंदवाड़ा जिले में भी एक 5 वर्षीय मासूम बालिका से गंभीर दुष्कृत्य की घटना जो पिछले वर्ष लॉकडाउन के समय हुई थी, उसके आरोपी को गिरफ्तार करने में समाज के एक व्यक्ति श्री रोशन विश्वकर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। आश्वासन ने उनको भी असली हीरो के रूप में चयनित किया है और प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत भी किया है।